আপনারা যারা প্রথম লাইনে বসে আছেন এটা হচ্ছে আমাদের অতিথিদের জন্য নেতাদের জন্য আপনারা দয়া করে পিছনের লাইনে চলে যান প্রথম লাইনে বসার চেষ্টা করবেন না প্লিজ দয়া করে পিছন লাইনে চলে যান মঞ্চে আপনাদের যে শ্যাম জাজুজি ভারতীয় জনতা পার্টি দিল্লি প্রদেশ কে অধ্যক্ষ श्री मनोज तिवारी जी हमारे महापौर पूर्व महापौर गुप्ता जी यहाँ भाजपा के आंगन में इकट्ठे हुए मेरे बंगाल के सभी भाई बहनों मेरे साथ बोलिए वंदे मातरम वंदे मातरम দক্ষিণেশ্বর কালী মাকে দর্শন করতে অনেকবার গিয়েছিলাম একটু আমি একটু ভজন কবিতা আমি লিখে গিয়েছিলাম কি আমি এসেছি তোমার দরবার দয়া করো মা দয়া করো মা আমি এসেছি তোমার দরবার দয়া করো দয়া করো মন্ত্র তোমার জানি নেই পূজা নেই জানি আমাদের ছাড়া তুমি দুজা নেই আমি দেখেছি তোমার সরকার মা আমি দেখেছি গুণগান করে আমি এসেছি তোমার দরবার দয়া করো মা দয়া করো মা আমি এসেছি তোমার দরবার দয়া করো মা দয়া করো মা মন্ত্র তোমার জানি নেই পূজা নেই জানি আমাদের ছাড়া তুমি দুজনে আমি গিয়েছিলাম আবার মনোজুপার করুণা বিচার দয়া করুমা দয়া করুমা মা সে বলতে মা তুমি দয়া করো দয়া করো বঙ্গাল যে বঙ্গাল সিচুয়েশন আছে আজ কি হচ্ছে কি জো নাচন জি আগ লাগতি দেখলেন কোন হে কো ये तो स्पष्ट हो गया है अभी जो नागरिकता बिल पास हुआ उसके बाद जो आग लगा रहे हैं यही वो लोग हैं जिनको देश से बाहर निकालने की आवश्यकता है जो भारत का है उसको कोई माई का नाम कैसे निकाल सकता है भारतीय जनता पार्टी वो भी सरकार खड़ी है जो शरणार्थी आचे उनको हम तो कौन आप किसको नहीं पता है कि जब हमारा देश अलग हुआ तो बांग्लादेश में 21% हिंदू थे कितना परसेंट 21% आज कितने हैं 2% साढ़े अभी जो 2011 के अनुसार 7.5% और पाकिस्तान में थे 23% आज कितने हैं 3% कहां गए हमारे वो भाई बंधु हिंदू सिख ईसाई बौद्ध जैन हमारे सब
अपनी अपनी संस्कृति को, बंगाल संस्कृति को मानने वाले लोग कहां गए जो बंटवारे के बाद रह गए थे? इसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन यहां पे जब हम उनको तो कुछ तो मार दिए गए, कुछ कन्वर्ट हो गए, जो बचे खुचे भाग के आए, जब भारत की सरकार उनको बाहें फैला करके अपना नागरिकता दे रही है तो कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है। ये जितना दृश्य आ रहा है ना, ये दृश्य ही बता रहा है कि उनका चरित्र कैसा है। जो मौका मिलते ही मार काट के उतारू हो जाते हैं, जो मौका मिलते ट्रेन जलाने लगते हैं, जो मौका मिलते हमारी आपकी गर्दन पे छुरी दे देते हैं। तो उनको पता चलना चाहिए, तुम जितनी ताकत लगानी है लगा लो। जो लोग इलीगल घुसपैठिए होकर ये आए बंटवारे के बाद, उनको पता चलना चाहिए तुम्हारे इस गिदड़ भक्ति से तुम बचने वाले नहीं हो। इस देश के मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको कोई बौद्ध हो, जैन हो, कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, सबका साथ। इस ये नारा नहीं है, ये दिस इज इट आवर पॉलिसी। अच्छी पॉलिसी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एखाने अनेक विश्वास आछे, एखाने अनेक सरकार आछे, किंतु कहते हैं ना कि हर दुख की रात की एक सुबह होती है मेरे साथियों। इसलिए प्यार से कहते रहिए हरि बोल, हरि बोल। हम लोग कभी किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी अन्याय का समापन करने के लिए आई है, अन्याय करने के लिए नहीं आई है, अन्याय का समापन करने के लिए आई है। इसलिए मैं तो कहीं और जा रहा था, मुझे आदेश गुप्ता ने कहा भैया इधर आ जाओ। हमने बोला कि तुम्हें कोता जाचो। बोला क्या बोल रहे हैं? बांग्ला खूबी मिष्टी भाषा, खूबी मिष्टी भाषा। लोग अनेक जन बोले कि मैंने कोई बांग्ला बोलता है कैसा लग रहा है कि वो रसगुल्ला खा के बोल रहा है। पर हमार अपना तो रिश्ता अच्छे, अपना मांस भात का रिश्ता है हमारा आपका। चले आज के हम अपना भाषण शेष कर ची और सरकार का एकाने अचेन आरे सुबोध विश्वास जी एकाने अचेन। आमी एक तो अन्य प्रोग्राम आछे ताले हमरा के जेते होबे, आमी खोमा हमरा के प्रोग्रामी सीख रहा, आमी गानों गानों सीख रहा, गाना गाओ गाना गाओ, लास्ट में एक गाना गाओ गाना गाओ गाना गाओ। अभी आज का सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ लिया आपने क्या कहना? मैं बीजेपी का दिल्ली में, दिल्ली बीजेपी बंगाल यूनिट का निर्माण करने जा रहा हूं और हमें इसके लिए अगली लाइन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आदेश जी, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि इसमें किसको भिजको हम जब आपको यूनिट बनेगी तो उसके सब दिल्ली है, उसके ये देखो हमारा एनसीआर का अधिकार नहीं, मैं दिल्ली का अध्यक्ष हूँ। जो एनसीआर होंगे दिल्ली में समाहित रहेंगे, ठीक है? देखो अभी तो दिल्ली के प्रेसिडेंट आ चुके तले, आप इसका एक मुझे लिस्ट दीजिए और सिद्धार्थन जी को दीजिएगा। और हमने विश्वांत जी से कहा है इतनी बड़े समाज का एक यूनिट होना ही चाहिए, जैसे हमारे बिहारी जी की।
तो ये कर लीजिएगा और मैं अपनी तरफ से विश्वास दास सरकार का स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि बोल। सर पूरा बंगाली समाज आज बीजेपी के साथ जुड़ा है, क्या लगता है कि दिल्ली में इस बार सत्ता पलटेगी? बिल्कुल, दिल्ली में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय पे आज हरी बोल उद्घोषणा हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है और पहली बार इससे प्रतीत होता है कि दिल्ली का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी प्रदेश का रहने वाला हो, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है की इच्छा हो रहा है। इसलिए बंगाली समाज आज दिल्ली में लगभग 15 लाख की आबादी है और वो पूरा का पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के लिए, देशभक्त पार्टी के लिए एकजुट होकर उनके साथ आ रहा है और दिल्ली सरकार निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव अवश्य क्या प्रकोष्ठ बंगालियों के लिए बनाने की बात कही है मनोज तिवारी जी ने कि बंगाली को लेकर अलग प्रकोष्ठ बनेगा जिसमें सारे पदाधिकारी बंगाली समाज से ही होंगे, तो इससे क्या लगता है बंगाली समाज को फायदा होगा? देखिए मैं तो पॉलिटिक्स करना, पार्टी में अटेंड करना, पार्टी करना सभी को संवैधानिक अधिकार है। दिल्ली में जो बंगाली समाज निर्णय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन इस विषय में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन उन्होंने जो प्रस्ताव दिया बंगाली समाज के लिए, कोई भी पार्टी का अंदर में बंगाली सेल नहीं है, मगर उन्होंने जो प्रस्ताव दिया मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं कृष्णा हालदार, आपको क्या लगता है कि जो एक बंगाली प्रकोष्ठ बनवाने के लिए बोला गया है जिसमें बंगाली समाज के पदाधिकारी होंगे दिल्ली में, उससे बंगाली समाज को कितना फायदा होगा? सर आज हर देखो पूर्वांचल दिल्ली में हर समाज का नेतृत्व आपने देखा, हम बंगाली समाज का जो स्ट्रांग, बंगाली समाज का हमारा एक स्ट्रांग टीम है दिल्ली एनसीआर में, आज तक हमारा कोई बंगाली संगठन अभी तक नहीं हुआ। हमने 10 बार मिल चुका है सपने मनोज तिवारी से, दिल्ली प्रदेश प्रभारी से सबसे मिला, उन लोग बोला कृष्णा जी हम लोग सबको बंगाली समाज के जो जो मेन लीडर है सबको बोला उसने, हम लोग मिल के एक सेल बनाएंगे, आप लोगों को नेतृत्व देना है, आगे आना है। हम लोग उनका बात हमने सुना एवं उनकी बात हमें स्पीकर मंजूर कर लिया, उन लोग बहुत अच्छा बोला, हम लोग जो उनको बोला उसने स्पीकर लिया। वरी जी जंतर मंतर पे कुछ दिनों पहले डॉक्टरों ने धरना दिया था, उसके सपोर्ट में मनोज तिवारी जी ने कहा है कि हम आप सबका समर्थन करेंगे, मनोज तिवारी मतलब बीजेपी ने समर्थन करने की बात कही है, तो आपको क्या लगता है डॉक्टरों के लिए वहाँ पे? पहले 25 तारीख को जो हमारा धरना प्रदर्शन हुई थी आप लोगों ने सब देखे होंगे कितने सारा लोग समवेत हुए थे, एनआरसी को लेके जो हमारा नागरिकत्व बिल पास हो गया उसके लिए हम धरना दिए थे, एवं हमारा जो सरकार है वो सुना हुआ है हमारा बात, लोकसभा में राज्यसभा में बिल पास हो गया जो ऐतिहासिक फैसला है मोदी जी का, जिसलिए हम बहुत खुश हैं। और आज भी हमारा एक सम्मेलन हुए है, आप लोगों ने देखे जितनी सारे लोग यहाँ पे जमायत हुए हैं, जब जगह देने में बहुत ही कमी पड़ गया था उससे भी ज्यादा लोग बाहर खड़े हुए थे, अब जो हमारा जो बंगाली जो हम एकता है आज वो हमने देखा दिया है, बीजेपी देख के बहुत खुश है, मनोज तिवारी जी ने भी हमको आश्वासन दिया है जो बंगाली लोगों का कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी हो वो आगे आ जाए।